everyone, I am Anjali Arora. I am also an educator on Unacademy, which is India's largest relearning platform. And there I am providing the courses for CSIR NET Physical Science exam, GATE Physics, JES, TIFR and all other physics entrance exams. So you can follow me on Unacademy and can watch all the courses provided by me there. Okay, and all the courses are very important and to the point, very important for the exams. Okay, so you can watch all the courses and make a good command on the numerical problems. And you can follow me on Unacademy by searching my name Anjali Arora or by clicking on the link given in the description box. Okay, thank you very much, guys. Let's start today's video. Hello everyone, welcome to the YouTube channel Mission NET Physics Exam. और जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस चैनल पे प्रिपरेशन करते हैं नेट फिजिक्स एग्जाम की और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको, ठीक है, जितना भी मुझे लगता है कि हाँ ये डिस्कस किया जा सकता है. सो आई ट्राई टू डिस्कस ऑल दोज पॉइंट्स ऑन दिस चैनल. और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग योर स्टडीज या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है. आई विल रिप्लाई फॉर योर कमेंट. एंड गाइज, आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं. ओके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और वहां से आप क्या है अनअकैडमी का पेज ओपन हो जाएगा. यू कैन फॉलो मी देयर, व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. तो वहां पे भी जो कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो नेट फिजिक्स एग्जाम के लिए हैं. वहां अगर आप उन कोर्सेज को भी साथ साथ देखते रहेंगे तो क्या होगा कि एक तो आपको यूट्यूब पे वीडियोज मिल ही रही हैं, ठीक है, तो वहां की कोर्सेज साथ में देखने से ये होगा कि आपको वहां का भी बेनिफिट मिल जाएगा. ज्यादा कोर्सेज, ज्यादा सिलेबस आप कवर कर पाएंगे साथ ही साथ, ठीक है. और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, एग्जाम अब बहुत पास है एंड आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियोज रेगुलरली. ओके, तो आज की जो वीडियो है इसमें मेनली हम बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न की, कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, या जिन्होंने पहले दिया उनको भी हो सकता है कुछ डाउट्स हो, तो वो सारे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे. और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं उसके बारे में. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सो गाइस, सबसे पहली बात की जो आपका CSIR नेट एग्जाम होता है, ठीक है, वो सारी साइंस स्ट्रीम्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है, जैसे फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, ठीक है. सो इन सारी स्ट्रीम्स के लिए आपका CSIR नेट एग्जाम कंडक्ट होता है. और हम यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, हम मेनली फोकस करेंगे फिजिकल साइंस एग्जाम के लिए, बट और भी जो आपके स्ट्रीम्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए भी ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, जो पैटर्न है. और CSIR नेट एग्जाम साल में दो बार कंडक्ट कराया जाता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में, ठीक है. और जो पेपर होता है हमारा वो तीन सेक्शंस में डिवाइड होता है. उसमें तीन सेक्शंस कौन से होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी. इनकी मार्किंग्स जो होती है, इनमें जितना जितना मार्क्स होता है, ठीक है, हर एक सेक्शन कितने मार्क्स का है वो डिफरेंट है. सारे सेक्शंस सेम मार्क्स नहीं कंटेन करते, तो सारे सेक्शंस में क्वेश्चंस की वैरायटी अलग होती है, मार्क्स कंटेंट अलग होता है, ठीक है. वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में कि कितना कितना मार्क्स रहता है किस किस सेक्शन के लिए. और जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं MCQs टाइप, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेंगे. आपको फोर ऑप्शंस गिवन होगा, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा. और 200 मार्क्स का टोटल पेपर आपको करना होता है, ठीक है. 200 मार्क्स का पेपर हम मान सकते हैं, जितना भी आपके लिए अलॉटेड होता है ना कि इतने क्वेश्चंस इस पार्ट से करने हैं, इतने इस पार्ट से, सो सारे ओवरऑल जो मार्क्स अगर हम कंबाइन करें तो 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हुआ, उससे आपको मार्क्स मिलेंगे. ओके, और कितने ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर रहता है. और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग होगी. मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई मार्क्स ना मिलेंगे आपको, ना निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है. और दूसरी बात, अगर आप आंसर अटेम्प्ट करते हैं किसी क्वेश्चन का और वो आंसर गलत हो जाता है तो उसके लिए निगेटिव मार्किंग होती है. कितनी निगेटिव मार्किंग होती है, वो होती है 25% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है. मान लीजिए 1 मार्क का कोई क्वेश्चन है तो 25% मतलब 0.25 निगेटिव मार्किंग होगी. तो जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसका 25% निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है. और मान लीजिए आपने जितने क्वेश्चन बोला गया कि ये सेक्शन में हमें 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपने क्या किया, 15 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, 18 कर दिए, 16 कर दिए, तो उस केस में क्या होता है, इफ यू विल डू मोर देन रिक्वायर्ड क्वेश्चन, ठीक है,
आप उससे ज्यादा करेंगे तो जो आपके फर्स्ट क्वेश्चंस होंगे ना, फर्स्ट 15 जितने उन्होंने माने हैं, कहा गया है कि इतने करने हैं आपको, तो वो फर्स्ट उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कंसीडर किए जाएंगे, और जो बाद के होंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं, ठीक है। और आपको कौन सा पेन यूज करना है, आपको ब्लैक बॉल पेन यूज करना होता है एग्जाम में, ओके। सो ब्लैक बॉल पेन आप अपने साथ लेके जाएंगे, और आपको एक OMR शीट दी जाती है पेपर के साथ में, जिसमें आपको आंसर्स सर्कल करने होते, करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन है उसको सर्कल करना होगा विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बॉल पेन, ठीक है। सो ये सारा आपको OMR शीट थोड़ा आप अच्छे से फिल करेंगे, ठीक है, करेक्टली फिल करना है उसको, ठीक है, केयरफुली फिल करना, और बाकी तो आपको OMR शीट का थोड़ा ध्यान रखना है, और आंसर्स को आप अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हर एक सेक्शन में कितना मार्क्स अलॉट किया गया है, कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, ओके। और आगे के वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि पार्ट ए में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे होते हैं, पार्ट बी में किस टॉपिक से पूछा जाएगा, पार्ट सी में किस टॉपिक से, ठीक है। सो वो सब हम फिजिकल साइंस के लिए मेनली डिस्कस करेंगे अभी, ओके। सो लेट्स डिस्कस द मार्किंग स्कीम। देखिए, अब हर एक सेक्शन जैसे पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है, ठीक है। तो पार्ट ए में टोटल क्वेश्चंस जो आपको गिवन होंगे वो होंगे 20, ठीक है। आपको उसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं, 15। अगर आपको 15 करेक्ट आंसर्स पता है 15 क्वेश्चंस के, तो आप 15 कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो जितने आपको आते हैं उतने आप करेंगे, ठीक है। बट 15 से ज्यादा करने में क्या होगा, जो आपके फर्स्ट 15 आपने किए होंगे वो माने जाएंगे, और नीचे के नहीं कंसिडर किए जाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आफ्टर 15, ठीक है। और देखिए, ये मार्किंग स्कीम इसके लिए क्या है, पार्ट ए के लिए हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने कोई आंसर गलत दे दिया तो आपको -0.50 मार्क्स, आपके जितने आपके आ रहे होंगे मार्क्स उनमें से कितना माइनस हो जाएंगे, 0.5, ओके, माइनस हो जाएंगे मार्क्स। और इस सेक्शन पार्ट ए में कितने मार्क्स अलॉटेड होते हैं, टोटल 30 मार्क्स। कैसे, आपको 15 मैक्सिमम आप कितने कर सकते हैं, इसमें 15 क्वेश्चंस कर सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, तो टोटल कितने मार्क्स मिल सकते हैं अगर 15 कोई जना करेक्ट कर दे बिल्कुल, ठीक है। और जितने क्वेश्चन है 20, उनमें से आप कोई भी 15 कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के करने, कोई भी 15 कर सकते हैं, तो 15 और 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए, तो कितने हो गए टोटल 30 मार्क्स हो गए पार्ट ए के। सो पार्ट बी और पार्ट ए में आपसे रीजनिंग और जैसे नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मेंटल एबिलिटी, सो वो सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं पार्ट ए में। पार्ट बी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे हम फिजिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो हमसे फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, और टोटल कितने क्वेश्चंस गिवन होंगे पार्ट बी में, 25 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, जिसमें से आपने करने कितने हैं, सिर्फ 20 करने हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आप करेंगे और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे 3.5 मार्क्स, ठीक है। और अगर कोई आंसर आप गलत करते हैं तो आपको -0.875, इसका 25% आपके माइनस हो जाएंगे, निगेटिव मार्किंग हो जाएगी उस केस में, ठीक है। और टोटल मार्क्स अलॉटेड कितने हो गए इस केस में, 20 करने हैं आपने क्वेश्चन, 3.5 एक क्वेश्चन पे मार्क्स मिल रहे हैं, तो टोटल 70 मार्क्स ये आपका बी पार्ट जो होता है, ठीक है, वो कंटेन करता है। नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी में टोटल क्वेश्चन गिवन होंगे 30, आपको करने होंगे अटेम्प्ट 20, ठीक है। 20 से कम भी कर सकते हैं आप, लेकिन 20 से ज्यादा आप कोशिश कीजिए ना करें, ठीक है। जितने आपको आते हैं वही क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें, अदरवाइज आपके स्टार्टिंग के जो आपने 20 क्वेश्चंस किए होंगे वही कंसीडर किए जाएंगे अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस कर देते हैं। और मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है आपका, पार्ट सी का जो हर एक क्वेश्चन होता है वो कितने मार्क्स कंटेन करता है, 5 मार्क्स। अगर आप सही क्वेश्चन करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे फॉर ईच करेक्ट आंसर, और अगर आप गलत क्वेश्चन, कोई गलत आंसर दे देते हैं किसी क्वेश्चन के लिए, सो -1.25 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे, जितने आपको मिल रहे होंगे पहले मार्क्स उसमें से निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। ये एक आंसर के लिए, ऐसे आप जितने गलत करेंगे सबके लिए इतने मार्क्स आपके माइनस होते जाएंगे। और टोटल मार्क्स अलॉटेड कितने हो गए इसके लिए, 20 × 5 100 मार्क्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सेक्शन में है, पार्ट सी में, ठीक है। सो इसके अगर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं इस सेक्शन से। फिर पार्ट बी का ज्यादा वेटेज है, उसके पार्ट ई का सबसे कम वेटेज है, ठीक है। बट पार्ट ए के क्वेश्चन आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, और पार्ट बी और सी डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से अपना सब्जेक्ट स्टडी किया है, ठीक है। सो इसमें तो मेनली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड सारे क्वेश्चन क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यूज होंगे, ओके।
और रफ वर्क के लिए अगर हम बात करें तो आपको क्वेश्चन पेपर में ही लास्ट में पेजेस दिए जाते हैं रफ वर्क के लिए, तो आप उसमें रफ वर्क कर सकते हैं. ओके, सो टोटल मार्क्स कितने हो गए यहाँ? 200 मार्क्स. ओके, सो ये था आपका एग्जाम पैटर्न ओवरऑल कि कैसा होता है, क्या क्या लाइक सेक्शंस में डिवाइडेड होता है एक एग्जाम जो आपका पेपर होगा, और कितने आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, आप कौन सा पेन यूज कर सकते हैं, ब्लैक बॉल पेन यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से आपने क्या क्या अपने साथ में कैरी करना है. और आपका कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है. ठीक है, और आपको एक आईडी कैरी करनी होती है साथ में. ओके, आइडेंटिटी लाइक आपको आईडी लेके जाना होगा एक साथ में. ओके, सो ये सब तो नोटिफिकेशन में भी मेंशन है, बट फिर भी आई थॉट कि आपको एक आइडिया दे दिया जाए तो बेटर होगा, जो भी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाले हैं या जिनको कुछ भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा इसके थ्रू. सो आई होप दैट थिंग्स विल बी क्लियर टू यू, बट अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कीप ऑन वॉचिंग ऑल अदर वीडियोज ऑन द यूट्यूब चैनल मिशन नेट फिजिक्स एग्जाम. और आपको लाइक किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, या आप चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द नेट फिजिक्स एग्जाम, ठीक है, आप वो चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं, तो आप उसके लिए भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. ओके, एंड गाइस फॉलो मी ऑन अनअकैडमी बाय लाइक आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो उस पे लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अनअकैडमी पेज को ओपन करके देख सकते हैं. ओके, एंड यू कैन फॉलो मी देयर. और इम्पॉर्टेंट कोर्सेज जो मैं वहां भी प्रोवाइड कर रही हूँ आप वो भी देख सकते हैं. और कोर्सेज जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो जिसको हिंदी में देखना वो हिंदी में देख सकते हैं, जिनको इंग्लिश में देखना वो इंग्लिश में देख सकते हैं. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन वीडियो.